मैं कहना चाहना सरकार नूं कि एवी नौजवान सिखां दे नाल इस तरह का ध्रो ना करो। पहला यह दीप सिद्धू दे नाल कर लिया, मूसेवाल नाल कर लिया, हुण भाने दे नाल कर लिया, ते तुहानूं पता है सारी दुनिया दे विच सिख आफरे पए आ। जे मैं बतौर एम पी इत्थों दा आवाज़ दे दां कि यह असी वड्डा धरना चीफ मिनिस्टर दे इलाके धूरी दे विच करांगे, तो मेरा मतलब है कि उदों तो बाद तुहानूं इन्हां नूं छड्डना ही पैणा है। एक साडा हिंदू वीर है बरनाले दा, उसनूं भी चैनिया दे केस दे विच फड़ लिया। इहो जिहे केस पौड़े बिल्कुल खत्म कीता जावे, नहीं तां इहदा असर बहुत खराब होगा। मान साहब की लगता तो सिख नौजवानों सरकार क्यों टारगेट कर रही है, जिमें पहला अमृतपाल सिंह नाल ऐ कीता, फिर हुण भाने सिद्धू नूं जेल विच भेजा गया, क्यों टारगेट किया जा रहा जी? क्यों करके सरकार समझती है कि जिहड़ा नवा खून है संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं तों बाद, जिन्ना चिर इन्हां नूं खत्म ना किया गया तां खालिस्तान दी आवाज़ वधदी जाऊगी वधदी जाऊगी, खालिस्तान बन के रहूगा। तुसी क्या अज सरकार भाने सिद्धू नूं रिहा कर दे, जे सरकार भाने सिद्धू नूं नहीं रिहा करदी तां तुसी अगली कार्रवाई की करोगे? असीं 31 तरीक नूं धूरी विखे चीफ मिनिस्टर दे हलके दे विच बहुत वड्डा इकट्ठ करांगे जी, और गड्डियां भी रोकियां जाणगियां, कोई आवाजाही नहीं रहूगी, सिर्फ हस्पताल ते एंबुलेंस चलणगे।